सुबह आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्यूब शेयर कैसे यूज कर सकते हो, क्यूब शेयर आपको कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर सबसे पहले क्यूब शेयर को यूज़ करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्यूब शेयर ऊपर मिल जाता है, क्यूब शेयर हिडन के नाम से, इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर ब्लूटूथ वगैरह ऑन होगी तो यहाँ पर टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे तो हमारे क्यूब शेयर तीन ऑप्शन आएंगे, तो एग्रीमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्यूब शेयर ऑन हो चुका है। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी आसपास डिवाइस होगा वो क्यूब शेयर ऑन करेगा तो हमारे डिवाइस का नाम आ जाएगा, फिर हमारा डिवाइस उससे कनेक्ट हो जाएगा तो फिर फोटो वीडियो इधर भेज सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस फोटो को मैं क्यूब शेयर अगर जैसे मैंने चालू किया आपको दूसरे मोबाइल में चालू कर देना। अब आप अपने खुद के मोबाइल से शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है, क्यूब शेयर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर उस डिवाइस का यहाँ पर नाम शो हो जाएगा जिसमें क्यूब शेयर चालू है, उस पर आपको यहाँ पर उसके डिवाइस का नाम शो हो जाएगा तो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस डिवाइस से उस डिवाइस में आप फोटो वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर दोनों डिवाइस में आपको क्यूब शेयर को ऑन करना है, जैसे आप फोटो भेजना चाहते हो उस वाले बटन पर शेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्यूब शेयर का पहले नंबर भी दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना, दूसरे मोबाइल पर का नाम शो हो जाएगा। इस तरीके से आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में वीडियो फोटो भेज सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे वीडियो कैसे लगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।